आज हमारी पूरी शिया कौम यहाँ जो मुश्तमा हो रही है शहीद स्मारक पर, लखनऊ का ये तारीखी मुकाम है, मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला की क़यादत में यहाँ तमाम शिया कौम के हजरात अभी तशरीफ़ ला रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ चुके हैं। इसका मकसद ये है कि 1925 में आले सऊद ने जो जन्नतुल बकी जो तारीखी एक इमारत थी और जहाँ तारीखी कब्रिस्तान था और जहाँ पर औलाद रसूल के मज़ारात मुक़दसा थे उन्हें मुनहदिम किया था, उसी इन्हदाम के ख़िलाफ़ हम तकरीबन 100 साल होने वाले हैं मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और आज भी एहतजाज कर रहे हैं कि जहाँ रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुताहर भी है और उनके रोज़े अक़दस को मुनहदिम कर दिया गया था, वहीं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र भी है, इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम की कब्र भी है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र भी है और वहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में असहाबे किराम भी दफन हैं, वहाँ उम्महातुल मोमिनीन भी दफन हैं और वहाँ जनाब फ़ातिमा बिनते असद की कब्र भी है, जनाब इब्ने अब्बास की कब्र भी है और जनाब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की कब्र भी वहीं पर है। तो उन सारी कबूर को जो मुनहदिम किया गया था उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं और ये अब्दुल वहाब नजदी, खुदा इस पर लानत करे, इसने अपनी एक आइडियोलॉजी एक नज़रिया बनाया था जिसको उस वक्त की हुकूमत ने जो इब्ने सऊद की हुकूमत थी उसको नाफिस किया और उसके तहत तमाम कबूर को मुनहदिम किया गया। लिहाजा हम उस इन्हदाम के ख़िलाफ़ हमेशा एहतजाज करते रहेंगे जब तक उसको दोबारा तामीर नहीं किया जाएगा या हमें तामीर करने की इजाज़त दी जाए, हम अस खुद तामीर कर लेंगे वहाँ पर इन मुकद्दस रोज़ों को, लेकिन हमें सऊदी हुकूमत इजाज़त दे इस बात की। और जब तक ये जुल्म व सितम जारी रहेगा सऊदी हुकूमत का तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आज जो दहशतगर्द तंजीम है सबसे बड़ी दाइश, ये भी इसी सऊदी अरब की दी हुई है और वो भी वही काम कर रही है जो अब्दुल वहाब नजदी ने किया था, इन लोगों ने भी शाम में इसी तरह से मज़ारात मुक़दसा को मुनहदिम किया है।